हेलो जी, नमस्ते, सुप्रभात, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ियों से जो अभी चारों ओर बादलों से पैक हो रखी है। अभी सुबह के करीब 9 बज गए हैं और चारों ओर बादल ही बादल दिख रहे होंगे आपको। तो अभी हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। गाड़ गदेरों की आवाज़ सुन के लग रहा है कि रात को अच्छी खासी बारिश हुई होगी। और ये है डुग्गू डॉन। हाय डुग्गू, कुछ देर से बोल रहे हैं। क्या बोला तूने? और ये है रुचि। डुग्गू डुग्गू हाय गाइस, हेलो डुग्गू। दांत देखो इसके, दांत ओ भाई, जैसे दांत वैसे पट्टे के काने। आजकल बरसात का समय है तो चारों ओर हरियाली हरियाली दिखेगी। और आजकल ये राजमा काफ़ी लंबी हो गई है और बाकी इधर साइड अभी छोटी है। तो इधर साइड जो ये लकड़ियाँ थी ये पहले लगाई थी और इधर साइड काफ़ी लेट में, इसीलिए इधर थोड़ा भी छोटी है। बाकी यहाँ पे है लौकी, इसमें छोटी छोटी लौकी हो ही भी रखी है अभी। और यहाँ नीचे पे बो रखी है ककड़ी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं हरुणता बुग्याल में था तो वहाँ से देवता नीचे आ गए थे। जो महापुराण कथा हो रही थी तो वहाँ देवता नहीं जा पाए क्योंकि आज हमारे देवता की सेल जाने वाली है जो यहाँ से फिर से ऊपर बुग्यालों की ओर जाएगी। और जो ये यात्रा है इसमें देवडोली नहीं जाती है, देवडोली के अंदर जो मूर्ति रहती है वो ले जाई जाती है। और जो ये सेल यात्रा है ये हर साल सावन के महीने में होती है। और सेल यात्रा है ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। और इसमें बुग्यालों में सभी परिवारों के द्वारा दूध रखा जाता है भगवान जी के लिए चढ़ाने के लिए, और इसे दरियुद कहते हैं। तो अभी सभी लोग निकल चुके हैं मंदिर की ओर। और अभी यहाँ से एक कुत्ता गया तो डुग्गू इतना भयंकर भौंक रहा है ना, उसके लिए इसे देखिए जरा, दो पाँव पे खड़ा हो गया सीधे। तो अभी देवता ना नीचे मंदिर पे चले गए हैं। तो सभी लोग मंदिर से होके भी आ चुके हैं। सभी सैलियारे चले गए हैं। सैलियारे यानी जो भी देवता के साथ सैल यात्रा में जाते हैं उन्हें सैलियारे कहते हैं। बाकी ना अभी यहाँ ऊपर पे बारिश आनी शुरू हो गई है और इधर तो अंधेरा सा हो गया है। और जो सामने वाली पहाड़ी पे काफ़ी अच्छी धूप लग रखी है। और तब तक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम राजा महर को फॉलो करें। चलते हैं थोड़ा ऊपर गांव में, थोड़ा मंदिर के दर्शन भी करके आते हैं, बाकी दिखाते हैं ऊपर क्या क्या होता है। ऐसा कुछ कहते हैं लोग, जब सैल यात्रा जाती है तो ना उस दिन काफ़ी भयंकर वाली बारिश होती है, तो ये काफ़ी सच बात है क्योंकि ऊपर साइड से ना काफ़ी ज़्यादा बारिश होने लग गई है और यहाँ ऊपर से ना काफ़ी भयंकर वाली बारिश आने लग गई है। तो जी पहुँच चुके हैं हम और यहाँ देखिए अभी भी बारिश कंटिन्यू हो ही रही है, सब ने छाता ओढ़ के रखा है। अभी यहाँ उतारे जी थोड़ा अपना प्रदर्शन देंगे तो तत्पश्चात निकल जाएंगे ऊपर सैल यात्रा की ओर और बाकी जो पुजारी जी के पास जो घीड़ा है यानी कंडी, उनसी में देवता जी की मूर्ति रखी गई है। तो जी यहाँ का कार्यक्रम भी हो चुका है समाप्त और निकल चुके हैं सभी लोग आगे की यात्रा पे और बाकी गांव के काफ़ी लोग जा रहे हैं इस यात्रा में। फुलियारे भी चले गए हैं और अब चलते बनते हैं घर की ओर। अच्छी बात है कि अभी बारिश रुक चुकी है तो उनको चलने में दिक्कत नहीं होगी। और अभी दिन के करीब 2 बज गए हैं और अभी सभी लोग ना यहाँ ऊपर पे पहुँच चुके हैं और अच्छी बात यह है कि अभी ना इधर साइड से आसमान खुलने लग गया है। और आज ना सभी लोग रेयाला बुग्याल में रुकेंगे, तो कल सुबह रेयाला बुग्याल से हरुणता बुग्याल की ओर निकल जाएंगे सभी लोग और फिर शाम को सभी लोग घर वापस आ जाएंगे। दोस्तों अभी शाम के करीब 6 बज गए हैं और अभी का मौसम एकदम मस्त हो गया है, दिखाते हैं आपको। आसमान अभी पूरी तरह से खुल चुका है और ना आसमान में बादलों का काफी अच्छा नज़ारा हो रखा है और सामने पे ना काफी अच्छा सनसेट होने लग गया है। तो दोस्तों काफी टाइम से मैं एक चीज सोच रहा था कि मैं अपने चैनल का नाम राजा महर ब्लॉग से हटा के नमस्ते देवभूमि रख दूं, तो मेरे को तो ये नाम काफ़ी अच्छा लगा, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी ये नाम अच्छा लगेगा। तो अगर बढ़िया लगा होगा ये नाम तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और हाँ अगर इससे अच्छा नाम अगर आपको पता है तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपको फिर किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, बाय।